इस टाइम हम लोग मौजूद हैं चिन्योट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चिन्योट में क्या कर रही हूँ। तो चिन्योट में हमें एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची मिली है जिसने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया। उसने ये रिकॉर्ड कैसे बनाया, कब बनाया, ये तो हम उसी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए। बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं। जिन अकवाम में बाशौर और ज़हीन बच्चे होते हैं वो उस कौम का रोशन मुस्तकबिल होते हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली नन्ही हीरो सितारा बुर्ज अकबर भी ऐसे ही बच्चों में से एक है। सितारा ने 11 साल की उम्र में ओ लेवल्स करके दुनिया भर को हैरान कर दिया है। सितारा को एजाज हासिल है कि वो दुनिया की पहली कम उम्र तरीन बच्ची है जो ओ लेवल्स के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इम्तिहान में अपीयर हुई और कामयाबी से ओ लेवल मुकम्मल किया। सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि सितारा बुर्ज अकबर और आगे बढ़ना चाहती है और अपने मुल्क, वालदैन और उसाज़ा का नाम रोशन करना चाहती हैं। छोटी सी उम्र में अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाती हैं, घर में अपनी अम्मी के साथ किचन में काम करवाती हैं और अपने अब्बू की एकेडमी में उनका हाथ भी बटाती हैं। सितारा बुर्ज अकबर आइट्स में 7 बैंड्स ले चुकी हैं। हमारी नन्ही हीरो जिसके काम बड़े बड़े हैं, वो इतना कुछ करने के बाद फारिग औकात में मजीद रिसर्च वर्क करती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर बुक भी पढ़ती हैं और बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हैं ताकि पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बन सके। अच्छा जी, तो हमारे साथ वो हमारी टैलेंटेड छोटी सी बच्ची मौजूद है। उनका नाम है सितारा बुर्ज अकबर और हम उनसे पूछेंगे कि उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बनाया, उसके लिए क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी ज़्यादा उनको सक्सेस मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप सितारा? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए सितारा कितनी क्यूट सी बच्ची है। अच्छा सितारा, मुझे ये बताओ कि किस तरह से अपने आप को तैयार किया था और किसने आपकी हेल्प की थी इस काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अल्लाह मियाँ का फजल था। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जो हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे ख्याल से सब उनकी मतलब इसमें मेहनत है। माशाल्लाह आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बनाए, तो आप कैसे, क्या सोचा था कि जी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? एक आई थिंक बायो में बनाया और दूसरे ओ लेवल्स में, और जहाँ तक मैंने सुने 3 साल लगे इसको। मैं 3 साल में तो नहीं, 1 साल में कर सकती थी। अच्छा। लेकिन केमिस्ट्री का तो पेपर मैंने सिर्फ चेकिंग के लिए दिया था। बायो के पेपर के बाद फिर मैं टोटली ओ लेवल्स पे कन्वर्ट हुई हूँ, मतलब उसमें तो फिर 1 साल ही आप कहने लगे। अभी मैं देख रही थी कि आप अपने से बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी अपनी क्लास में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? आई डोंट नो, फ्रेंडशिप मतलब प्यार से एक दूसरे से, मतलब प्यार से समझाते हो? डोंट टेक मी एज अ टीचर, दे टेक मी एज अ फ्रेंड। हाउ स्वीट। अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में सुनी थी, पर ये सुनी थी कि आप अपने टीचर से सवाल बहुत करती हो। आई वांट माय कॉन्सेप्ट क्लियर और इसकी वजह से मतलब फिर मैं सवाल पूछी जाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि आइट्स में भी आपने 7 बैंड्स लिए और इंग्लिश स्पीकिंग में आपने 7.5? जी इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ रिस्पेक्टिवली 7.5 और टोटल 9 होते हैं। टोटल 9 होते हैं। तो ये अब पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर इतना काम किया, फिर उसमें आइट्स में आ गई, तो हर टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसके अलावा भी कुछ करती हूँ? इसके अलावा बहुत कुछ करती हूँ, समटाइम्स कुकिंग। अच्छा, खेल कूद मतलब बहन भाई के साथ। अच्छा, कुकिंग क्या, खाने में क्या बनाती हूँ शौक से? मोस्टली चावल। अम्मा के साथ ज़्यादा प्यार है या बाबा के साथ? दोनों साथ। दोनों के साथ है। तो आगे जाके क्या बनना चाहती हूँ? मैं केमिस्ट साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और बेसिकली मेरा फोकस बायो केमिस्ट्री पे है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी दुनिया में। अच्छा सितारा, मुझे ये बताओ कि जो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? और वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो कहते हैं जी हम तो छोटे हैं, हम लोग को काम नहीं करना, जब बड़े होंगे तब काम करेंगे, उनको क्या कहोगी? मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान को महारत हासिल होनी चाहिए, सो सिर्फ स्टडीज़ पे नहीं हर चीज़ पे गौर दें। अच्छा सितारा, मुझे ये बताओ कि अब मैंने आपकी प्रोफाइल में भी पढ़ा कि आपको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है और पढ़ती भी हो, तो किस तरह की बुक्स को ज़्यादा पढ़ती हो?
एडवेंचर स्टोरीज, फैंटेसी, देन फिक्शन समटाइम्स, व्हाटएवर आई कैन गेट. अच्छा, स्पीचेस भी आप करती थी, तो वो कौन लिखता था? मैंने कभी भी लिखी हुई स्पीच नहीं की. मतलब मेरे पास छोटे से एक कागज़ होता है जिसमें मैंने अपने की पॉइंट्स नोट किए था कि मैं अट जाऊँ. आपकी रियल लाइफ में आपके लिए हीरो कौन है? बेसिकली तो सब मुस्लिम साइंटिस्ट हैं. हाँ. लेकिन जिनका मुझे शुरू से पता और मतलब कॉपी करने का शौक भी बहुत है, डॉक्टर अब्दुल सलाम. पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? क्या लगता है कि क्या करोगी, मतलब बनना चाहती हूँ पॉलिटिशियन? बिल्कुल भी नहीं. आई जस्ट थिंक कि जो लीडर ये समझेगा कि सफाई और एजुकेशन ये दो चीज़ें जो चेंज कर सकती हैं पूरी दुनिया को, वो मेरा फेवरेट लीडर होगा. हमें सितारा के सक्सेस के तो की पॉइंट्स मिल गए हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा भी सितारा से. और अब हम जाएंगे इनके पेरेंट्स के पास, तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने सितारा को बनाने में कितनी हेल्प की उनकी. जी तो नाजिन, अभी मैंने आपको मिलवाया सितारा से, और फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सितारा के पेरेंट्स से मिलवाऊंगी, और उनको कितना प्राउड फील हो रहा है. मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ सितारा से बात करके. तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सितारा की वालदा बुशरा अकबर और उनके फादर हैं मोहम्मद अकबर साहब. तो पहले उनकी मदर से बात करते हैं सितारा के बारे में. अच्छा, ये बताएं कि जब सितारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आपको पता चला, तो क्या फीलिंग थी? सबसे पहले तो खुदा तआला का शुक्र अदा किया कि उसने ये दिन दिखाया खुशी का मुझे. और हर माँ को ही मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि माँ जो है वो खुदा का शुक्र अदा करे, प्राउड फील करे. तो यही फीलिंग्स मेरी भी थी. अच्छा, ये मतलब 3 क्लास में भी पढ़ी थी और अचानक उसने ओ लेवल करने का फैसला किया, ये किसी दबाव में आके या उसका अपना शौक था? इसका अपना शौक है जो उसने मुझे साथ लगाया, मैंने उसे अपने साथ नहीं लगाया. अच्छा, इनके फादर से बात करेंगे अकबर साहब से. आपको नहीं लगता कि ओ लेवल करने के बाद उसका कहीं बचपना कहीं खो गया? नहीं, वो अपने बचपन को सही तरीके से एंजॉय कर रही है, खेलती है, जो जो काम उसका दिल चाहता है. पढ़ती तो सिर्फ 1-2 घंटा, इससे ज़्यादा तो वो पढ़ती ही नहीं है. अच्छा, ये बताएंगे सितारा किस किस्म के आपसे सवाल करती थी? कभी उसके सवालों पे गुस्सा नहीं आया कि ये किस किस्म के सवाल कर रही है मुझसे? ये गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन वाकईतन मेहनत करनी पड़ती है. जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए. तो आप इस मामले में क्या कहेंगे अकबर साहब के, जिस ना अब आपकी बेटी सवाल करती है तो कुछ कहते नहीं, चुप करके बैठ जाओ, खबरदार ये क्या सवाल किया, उनको, उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? मैं उन्हें ये कहूँगा कि बच्चे को मत डांटो. आप उसे जो सवाल पूछता है उसे उसका जवाब दें. अगर हमें शिकायत आ जाती है टीचर की तरफ से कि आपका बच्चा निकम्मा है, तो हम उसे डांटना शुरू कर देते हैं. ये नहीं देखते कि उसकी वजह क्या है. हमने ये देखा कि हमारे बच्चे का, हमारा बच्चा निकम्मा नहीं है, वो सिस्टम में चल नहीं पा रहा. बिल्कुल, आपकी भी कुछ अच्छी बातें हैं सितारा में जो आज हमें नज़र आ रही हैं. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई रियली विश कि जब आपके बाकी बच्चे हैं उनमें से भी कोई एक हीरो ज़रूर निकले. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और अब हम चलेंगे सितारा के स्कूल में और वहाँ देखेंगे कि सितारा की एक्टिविटीज़ क्या हैं, और वहाँ पर उसके टीचर से भी बात करेंगे. आइए. मौजूद हूँ सितारा की मैथमेटिक्स टीचर के साथ, और हम उनसे पूछेंगे कि सितारा को तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी सितारा ने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए मैथ में? तो आइए मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सितारा को जिस तरह उसने मुझे बताया कि मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कभी था भी नहीं, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स उसके कैसे आए? सबसे पहले खुदा तआला का फजल और एहसान, और उसके बाद ये है कि उसने हार्ड वर्क की. मेरा तो ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि वो सिर्फ ये कह देती है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसमें एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको फिर भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया. एक टीचर और एक पेरेंट्स वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसके बच्चों की अंदर छुपी क्या एबिलिटी. बिल्कुल सही बात. ये तो थी मिस फरजाना, और चलते हैं और देखते हैं इनके स्कूल में बाकी सब कुछ क्या हो रहा है. आइए. कौन कह
कहता है कि छोटी सी उम्र में आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। आज आपने देखा भी और सुना भी कि सितारा ने किस तरह से छोटी सी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बस बात सिर्फ इतनी सी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको वो करने के लिए एक जज्बा चाहिए जो सितारा में है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि समा की वेबसाइट sama.tv पर ज़रूर विज़िट करें, और अगर आप किसी हीरो को जानते हैं तो हमें लिख भेजें hero@sama.tv पर। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी ये है कि हमारा फेसबुक पर फैन पेज है हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो, उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।